दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों ने परमानेंट करने की मांग को लेकर आज काला फीता बांधकर काम किया और अगले 3 दिनों तक वे ये काला फीता बांधकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश अस्पताल के रेगुलर कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों को भी पक्का किए जाने की मांग को लेकर काला फीता बांधकर काम किया। इस विरोध में शामिल जग प्रवेश जगरा अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अलग अलग अस्पतालों में 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी 17 से 18 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। सालों से उन्हें पक्का करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। यहाँ फार्मासिस्ट पोस्ट पे कार्यरत हूँ मैं। जो आज 3 दिन के लिए ये आह्वान किया गया है कि ब्लैक रिबन बांध कर ड्यूटी करना है, तो आज हम लोग कर रहे हैं केवल मात्र रेगुलाइजेशन के लिए, और हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है, केवल रेगुलाइजेशन के लिए किया जा रहा है। और हम लोग सरकार से भी यही कह रहे हैं, LG साहब से भी यही कह रहे हैं, और हॉस्पिटल में जितने भी कार्य जिस तरह से चल रहा है वो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है, अभी भी चल रहा है और चलेगा भी। लेकिन हम लोग एक साइलेंट जो है कि अपना धरना दिए हैं, और हम लोग सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि साइलेंट धरना को जो है कि साइलेंट ना समझे, कभी जरूरत पड़े तो हम लोग आगे की भी रणनीति बनाएंगे। थैंक यू सर। आज विरोध कर रहे हैं आप, किस लिए विरोध किया जा रहा है? क्या हॉस्पिटल में जो काम है उसे ठप कर दिया गया, बंद किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो 17-18 साल से उससे पहले से भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हेल्थ में काम कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, पैरामेडिकल एम्प्लॉइज हैं, उनको परमानेंट करने के लिए हमने ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट किया है। हम काली पट्टी बांध के सभी रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी काम कर रहे हैं, और हमारा कोई काम रोकने का या ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं कि इन लोगों को जो इतने साल से काम कर रहे हैं इनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि इनको सारी सुविधाएँ ऑलरेडी मिली हुई हैं। इनको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी है प्रॉपर, इनको सैलरी भी सेम वर्क के आधार पर दी जा रही है, तो अब इन लोगों को कहाँ रोड पर छोड़ना चाहती है क्या सरकार? सरकार अभी तक इनका कुछ भी नहीं कर पाई है। हर बार आश्वासन ही मिलता है, हम करीबन हर साल या 2 साल में ऐसा कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अभी तक इस पे निर्णय हुआ नहीं है। तो हमारी सरकार से यही अपील है, हम ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि इससे आम पब्लिक प्रभावित होती है। तो सरकार से हमारी विनम्र अपील है कि इन लोगों को सुने, इनके परिवार को देखें, और जल्दी से जल्दी इनको परमानेंट करें। कर्मचारी जो करीबन एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो करीबन 42 या 43 लोग होंगे, लेकिन ओवरऑल दिल्ली में 1000 से ज़्यादा लोग हैं। 1000 तो नर्सिंग ऑफिसर्स के आसपास होंगे, 1000 के आसपास, बाकी टोटल हेल्थ एम्प्लॉइज 2000 के अराउंड होंगे। हॉस्पिटल में सब चल रहा है दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।